मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूर्वोदय को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए विभागीय मंत्री मेरे मित्र ज्योतिरादित्य जी को आभार प्रकट करता हूं। उड़ीसा की ओर से आपने इस सारे अपेक्षा को पूरा किया और आने वाले दिनों में आप उड़ीसा को कैसे ऊपर ले जाओगे, आपने आपकी मन की बात कही है। मैं विश्वास, आपको तो मेरा एक पिछले 20 साल से आपको मैं जानता हूं और आपकी काम करने का तरीके, आपका आपकी वादा निभाने की तरीके और आपकी निर्णय सब समय में एक सभी को उत्साहित करने वाला, सबको सिखाने वाला एक रहता है। मैं आश्वस्त हूं, मैं अश्योर्ड हूं आपकी हाथों में उड़ीसा की सिविल एविएशन सेक्टर में और अच्छा होगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं उड़ीसा की ओर से आपको पुनः आभार प्रकट करता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेगा। प्रधानमंत्री जी की नाम और आप और बढ़ाओगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यादित्य जी, मैं एक दो विषय और अपेक्षा आपसे रखूंगा। इस बीच में शायद, मैं नहीं जानता हूं दुनिया की डेवलप्ड नेशन ने उसके ऊपर पॉलिसी लाया कि नहीं लाया, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प का एक नीति निर्धारक अभी आप बन चुके हो, नया पॉलिसी ले आए हो द्रोण पॉलिसी के नाम पे। भारत में शायद हमारी उड़ीसा के लोगों को द्रोण यानी अभी शादी विवाह में जो कैमरा ऊपर उड़ती है उसी की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन मैं मानता हूं उड़ीसा की होने के नाते मेरा जो अनुभव है उड़ीसा को घूमने में, विशेष करके आदिवासियों के लिए, गांव के लिए, दुर्गम इलाका के लिए, उड़ीसा में तटीय इलाका में अनेक ऐसे गांव होंगे जहां छोटे छोटे आइलैंड है। हमारी आदिवासी इलाका में ऐसे बहुत सारे गांव होंगे जहां अभी भी पहाड़ के अंदर गांव है, बहुत सारे नदियों के अंदर वो गांव है। मालकानगिरी जिले में ऐसे दुर्गम इलाके को ना रास्ता ना रेलवे पहुंचना सहज होती है। इस मामले में आपकी ये जो एक एम्बिशियस पॉलिसी आई है, द्रोण पॉलिसी, मैं मानता हूं सिविल एविएशन विभाग और उड़ीसा को एक पायलट स्टेट करके उसकी कैसे पब्लिक कन्वर्जन हो, सर्विस यूटिलिटी कन्वर्जन हो, मेडिसिन के लिए, खाद्यान्नों के लिए, वहां उत्पादित चीजों के लिए। यहाँ दो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, एक तो हमारे अभी भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता जी हैं और आपकी जो सिविल एविएशन की जॉइंट सेक्रेटरी उषा जी हैं। ये दोनों बहनें उस जिले में काम करके आए, कोरापुट जिला। सिंधिया जी, कोरापुट जिला आपकी पुराने राज्य मध्य प्रदेश की बस्तर से सटा हुआ इलाका है, निकट में भाईजाक सिटी है। उस जिले में इतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इतने बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आम कहिए, वेजिटेबल कहिए, पल्सेस कहिए, ये सारा चीज की आज के दिनों में पोस्ट कोरोना की वर्ल्ड में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी प्रीमियम वैल्यू क्या है, आप ज्यादा जानोगे। इसमें ड्रोन एक नया क्रांति लेके आ सकता है उस गरीब आदिवासी जिला में, एक नया क्रांति। हम उस जिले में गए हैं, हमें वहां कभी कभी ध्यान में आता है कि सारे एग्री प्रोड्यूस खराब हो जाता है। मैं भी इन दिनों में देखा कि आप अश्विनी जी के विभाग जैसे किसान रेल चलाता है, वैसे ही आप किसान उड़ान भी चलाना शुरू किए हो। जयपुर में भारत सरकार उड़ान योजना में निवेश किया है एयरपोर्ट बनाने के लिए। जयपुर केबीके का एक बड़ा प्रमुख स्थान है, पिछड़े इलाका का एक प्रमुख स्थान है, औद्योगिक शहर है, कमर्शियल टाउन है। जयपुर की एयरपोर्ट लगभग शायद इस बीच में बन भी गया होगा। अगर जयपुर आधारित हम लोग उड़ान की कुछ नीति बनाते हैं, उड़ान आधारित व्यवसाय की कुछ कल्पना करते हैं, मैं मानता हूं शायद हमारी जो किसान उड़ान, किसान रेल, वो जिले को एग्री प्रोड्यूस को बाहर ले जाने की एक मार्केटिंग की नेटवर्क शायद आपकी उड़ान और ड्रोन दोनों मिलकर कर सकता है। ये शायद हमें लगता है कि आप एक उड़ीसा की जो दो तीन, मैं थोड़ा आपको विनम्रता से कहूंगा सिंधिया जी, भुवनेश्वर हॉकी की केंद्र नहीं है, ये अलग बात है। पंडा जी हमारे मित्र सस्मित, शायद सुजीत मेरे से सहमत होगा क्योंकि सुजीत थोड़ा पश्चिम का है, थोड़ा वो सेंटिमेंट को समझता है,
हॉकी के केंद्र है सुंदरगढ़, जो हमारे उड़ीसा के इस बार प्लेयर खेलने के लिए गए वो है केंद्र भुवनेश्वर सुंदरगढ़ राउरकेला। अभी इस बार राउरकेला को बड़ा हॉकी की सेंटर बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, वो झारसुगुड़ा के पास। राउरकेला भी उड़ान की एक सेंटर है। राउरकेला एयरपोर्ट की भी कुछ छोटे मोटे इश्यू बचा था, शायद इस बीच में हो भी गया होगा, मैं पिछले 3-4 महीने में और मॉनिटरिंग नहीं कर पाया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राज्य सरकार की कुछ जमीन के छोटे मोटे इश्यू था, शायद इस बीच में हो भी गया होगा। ये राउरकेला एयरपोर्ट भी उड़ान में जुड़ जाएगा। हमें लगता है कि उड़ान में एकदम तुरंत माने आने वाले कुछ महीनों के अंदर अगर दो सेंटर कमर्शियली वायबल हो सकता है, साउथ में जयपुर और वेस्टर्न पार्ट में राउरकेला, ये दोनों सेंटर को अगर उड़ान की पुराने जो नीलामी हुई थी उसमें था, लेकिन एयरपोर्ट ठीक नहीं होने के कारण वायबल नहीं हो पाया था, इस बीच में ये दोनों हो भी चुके होंगे, इसको थोड़ा आप प्रायोरिटी देके थोड़ा आप जैसे माइक्रो मॉनिटरिंग करते हो, शायद आप इसकी कुछ समाधान निकाल सकते हो। एक तीसरा निवेदन आपको मैं करूंगा, ज्योतिरादित्य जी आपने भुवनेश्वर एयरपोर्ट की पोटेंशियल के बारे में सही एनालिसिस किया है। जब गुरु प्रसाद महापात्र जी हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी की चेयरमैन के दायित्व में थे, उड़ीसा के हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी थे, नहीं रहे, कोरोना ने उनको ले लिया, उस समय में भुवनेश्वर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की एक बड़ा एम्बिशियस प्लान हुई थी, दो फेज पे हुई थी। एक अभी की जहां टर्मिनल बिल्डिंग है उसकी निकट में लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्चा करके आने वाले 10-15 साल की लोड को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनी थी, और दूसरा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसी जिले में, भुवनेश्वर जिला खोरधा में आता है, खोरधा के पास, खोरधा शहर के पास राज्य सरकार ने जमीन आइडेंटिफाई किया था, शायद मेरे को अगर ठीक से याद है उषा जी तब तक डिपार्टमेंट में आई गई थी, खुद उषा जी जाके उस जमीन वगैरह को देख के भी आई थी। ये दो प्रकल्प, भुवनेश्वर की एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और भुवनेश्वर के पास राजधानी के अंदर नए एयरपोर्ट, आने वाले 50 साल के लिए एयरपोर्ट, ये दो तीन विषय सिविल एविएशन की इंफ्रास्ट्रक्चर में आप उसमें ध्यान दोगे, यही मेरा निवेदन रहेगा। और मैं उड़ीसा की पोटेंशियल के बारे में कहूं, उड़ीसा की पोटेंशियल में ना केवल टूरिज्म, टूरिज्म के बारे में सबने कहा और मैं उसमें सहमत हूं, एक उड़ीसा की खेती, फिर मैं कहूं ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बहुत सारे पॉकेट उड़ीसा में है। अगर हम रेल और एविएशन दोनों को मिला के, किसान रेल और आप उसको किसान कार उड़ान कहो या किसान के लिए कार्गो की, हम भुवनेश्वर में कुछ फैसिलिटी करते हैं और उस टाइम में झारसुगुड़ा में करते हैं, उड़ीसा के अच्छी खासी एग्री प्रोड्यूस नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, उड़ीसा की आम, उड़ीसा की साग सब्जी, उड़ीसा की पल्सेस, उड़ीसा की अच्छे क्वालिटी की धान, ये सारा हो सकता है। उड़ीसा की उर्वर मिट्टी से ऐसे अनेक चीज निकलती है जो हम एक ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ सकते हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ा अगर एविएशन आवश्यकता किसी क्षेत्र में, वो इंडस्ट्री को है। उड़ीसा की आने वाले दिनों में और आज भी मैं कहूं सिंधिया जी, देश के सबसे माइनिंग एक्टिविटीज किसी राज्य में होता है तो उड़ीसा में होता है। लगभग मैंने कभी कैलकुलेशन किया अश्विनी जी और हम लोग हिसाब कर रहे थे, कोल, आयरन, बॉक्साइट ये सब मिला के देश में जितना माइनिंग होती है उससे उसकी 30-40% उड़ीसा में होती है। आयरन हो, कोल हो, बॉक्साइट हो, मैंगनीज हो, अरे सारे इसके ग्लोबल लिंकेज है। खरीदने वाले लोग बाहर से आते हैं, कारखाना लगाने वाले बाहर से आते हैं, और ये लोग आते हैं तो उनको पहला चीज चाहिए एयरपोर्ट। मैं चाहूंगा कभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उड़ीसा की उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस मार्केट लिंकेज की थोड़ा प्लान करे, छोटे छोटे इंटरवेंशन की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले भी 2-3 जगह पे एयरपोर्ट बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पारादीप पोर्ट, ये तीन मिलके पारादीप में हम लोग एक एयर स्ट्रिप बनाने के लिए प्लान किए थे। आदानी वाले भद्रक जिले में एक एयर स्ट्रिप बनाने के लिए प्लान किए थे। ये शायद आप थोड़ा हाथ लगाओगे, थोड़ा मॉनिटरिंग करोगे तो इंडस्ट्रियल, और हमारे कलिंग नगर में जाजपुर जिले में एक एयर स्ट्रिप की टाटा वालों की प्लान है। मेरे गृह जिला अनुगुल में एक एयर स्ट्रिप है ऑलरेडी,
ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट, जो हमारे सुजीत की जिले में एक एयरपोर्ट बढ़िया है, एयर स्ट्रिप है, बलांगीर जिले में एक एयर स्ट्रिप है, ये छोटे छोटे एयर स्ट्रिप को अगर थोड़ा हम लोग ध्यान दें, थोड़ा बहुत पॉलिसी में मदद कर दें उनको, शायद उड़ीसा की एविएशन इंडस्ट्री इंडस्ट्री के साथ, मैंने मिनरल स्टील उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाएगा। आपने एक, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी उड़ीसा की समझ में, आपने दो तीन संस्थाओं को ऐसे नाम लिया, एम्स की नाम लिया आपने, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की नाम लिया आपने, आईसीटी की नाम लिया। कोइंसिडेंट है भुवनेश्वर की आसपास भारत सरकार की, राज्य सरकार की और निजी क्षेत्र की ऐसे 15 एक इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। शायद 20-25 किलोमीटर की रेडियस में हमारे पुराना शहर कटक है, रेवेन्शा कॉलेज है, यहाँ नेताजी की जन्मस्थान है, ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के 7-8 इंस्टीट्यूशन है। आगे चल के भुवनेश्वर भी एक नॉलेज हब है, अभी भी है, उसको एक इंटरनेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इंटरनेशनलाइजेशन की काफी सारी बात हुई है। ये सारे चीजों में मेरे को लगता है कि 21st सेंचुरी में कोई सेक्टर उड़ीसा की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कराने में सबसे आगे रह सकता है, उसकी नाम है सिविलाइजेशन। वो ड्रोन हो, छोटे एयर स्ट्रिप हो, हेलीकॉप्टर की सर्विस हो, इंडस्ट्री आधारित एविएशन लिंकेज की बात हो, एजुकेशन आधारित लिंकेज की बात हो, टूरिज्म तो है ही। अब बुद्धि सर्किट की आप, मैं थोड़ा अभी निवेदन करूंगा सिंधिया जी उड़िया में, भाई ना ये जो आपण को इमोशन संगे मुझे बहुत सहमत, आपण मान गोटे धारणा अच्छी सब गुड़ाक जिनस केवल गोटे दाबी करदे हम मुझे जाने आपण संगे मोर बहुत व्यक्तिगत संपर्क आपण को आहरी प्रभावशाली दिज बंधु आपण सांगे बस आदरणीय सस्मित आदरणीय सुजित से मैंने आपण अधिका प्रभावशाली आज दिन में मुण को आप तीन जन को लेकिन टे बसतु आज केवल दाबी कले भाईना हेनी ओडाटा को बनवाप पड़ो ओडे टूरीजम एवं जी जा सिंधिया जी मैं आपके अनुमति से थोड़ा ओडिया कहूँ कुछ चीज हम ओडिया आपके सामने नहीं कह सकते हैं, मैं इन दोनों को थोड़ा ओडिया में कह देता हूँ। इसीलिए मुझे बताइए आप ललितगिरी खंडगिरी पाखे जो उदयगिरी पाखे गले जो जन बुद्धिस्ट लोक आसव श्रीलंकर से टॉयलेट कौट की जीव कौटी जी बसिक पर नहीं जी बुद्धिस्ट सर्किट को सीठी गोटे भल जग बस जगह अच्छी सीठी जावाई एमिनिटीज कौन अच्छी ये गुड़ाक भी टे राज्य सरकार केवल दाबी करले हमने आप अनुभवी लोक आप मानने ओडार आत्मा को बुझी जन लोक टूरीजम रो जो जिनस गुड़ाक आवश्यकता अच्छी कोणार्कु पूरी जी रास्त गोटे बढ़िया होटेल आपण मैंने करमत होटेल कामत होटेल को जीवाई रास्ता खंडे ठीक से ना आज भी टे सकू पठेबे तो ये पठेबे आप कामत होटेल पाखे मेराइन ड्राइव रे गोटे भल जगह अच्छी जहाँ को गत थर राष्ट्रपति आसे से इच्छा कले सीढ़ी रहा जगह भिड़ी बुकिंग फुल थिला द्वितीय जगह ना कोड़ी रखा अरे बताइए कि भारत राष्ट्रपति ओडिशा रे टूरिज्म प्रति आकर्षित है मेराइन ड्राइव रे बसवाई चाहूँ जगह कहीं भी ध्यान देवार आवश्यकता अच्छी केवल दाबी टा जुक्तिजुक्त आज भारत सरकार सब प्रकार सहयोगी हाथ बढ़ाऊँ आज देखते सिंधिया जी सका सका धनतेरस विमान उड़े देले जयपुर पर्यंत पिंक सिटी आउ टेम्पल सिटी लिंक करेले किंतु राज्य सरकार जो आनुषंगिक टूरिज्म व्यवस्थार आवश्यकता करेबार अच्छी प्रायोरिटी फिक्स करेबार अच्छी ये गुड़ी को आपण भी मोर निवेदन टी आप अनुभवी लोक ये दुई युवक साथी को धरिकी आपण अमर बाबू कड़े आज आसवर थी से व्यस्त थे सी ताकू भी बसात सी सबु प्रभावशाली लोक मिसिकी आप ओडिशा सरकार प्रायोरीटी एगुड़ी आणत आज समस्त पुनर्वार मु बहुत धन्यवाद दौची ये कार्यक्रम में जोड़ी होती विशेष करके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और विशेष करके मंत्री सिंधिया जी को मैं अनेक अनेक आभार प्रकट करता हूँ। अश्विनी जी आपका जिम्मेदारी भी ज्यादा है ये लिंकेज में रेल की मैंने लोग एयरपोर्ट तक तो आएंगे आगे जाएंगे कैसे अच्छी ट्रेन चलनी चाहिए अश्विनी जी आपण गोटे भल कम आरंभ कर सब राजधानी स्तर ट्रेन आपड़े करेंगे बहुत भल आप कोरापुट ट्रेन टाक आग करदे आम गाँव ट्रेन टाक भी करेंगे मानते जोटा यू आम ओडार बाहर की जाऊँच तपस्विनी से हटिया पर्यटन रांची पर्यटन जाऊखंड पर्यटन से करदे अनुरोध करीशार इंटरनाल चलुवा सब ट्रेन गुड़ी को भल क्वाटर ट्रेन करूँ डीएमयू गुड़ी को उच्च स्तर करूँ एएमयू चालू इलेक्ट्रिक इंजिन जो चलू भलि ओडार चलू
ओडिशा रे गमनागमन आउ टिके सुविधा हो या द्वारा ओडिशा रो अर्थनैतिक विकास हो रोजगार बढ़िबो लोक माने अर्थनैतिक संपन्न हेले स्वाभिमानी हेबे आ ओडिशा लोक माने आकु बढ़िबे। आज दीपावली रो पूर्व संध्या रे समस्त को अनेक अनेक अवदान अभिनंदन। 5 तारीख दिन गोटे दीपावली पर दिन ओडिशा रे भाई भणी मानको मु केवल अनुरोध करूछि 5 तारीख दिन देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आमर केदारनाथ पीठ रे पूज्य शंकराचार्य एक विशाल मूर्ति स्थापनार उद्घाटन करेंगे। से दिन आम समस्ते देखा सकल सकल मु भी आ मोर बंधु मान संगे पुरीर पवित्र गोवर्धन पीठ से सेदिन तार सीधा प्रसारण हम जो जोटी पूज्य शंकराचार्य जाए जोड़ आगामी दिन में ये सबू आम अनेक संभावना आनु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।